प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब आप टीवी खोलते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो तरह तरह के उसमें एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाते हैं। और एडवर्टीजमेंट ऐसा होता है जिसके लिए बड़े बड़े स्टार्स को लोग बुला लेते हैं, और वो धोखेबाज लोभी लालची बिना उस प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक किए हुए जो भी बोलता है पैसे दे के इसके मुंह से बुलवा देता है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए और गवर्नमेंट सख्त कानून बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आदमी है, ये बोलता है कि रोंग ड्राई स्टील बेस्ट है, अभी भी बोल रहा है कि ये अल्ट्राटेक जो सीमेंट है बेस्ट है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग आते हैं और तरह तरह के प्रचार करता रहता है। ये सारे लोग धोखेबाज हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी सही है कि नहीं। अक्षय को देखिए, सनी देओल को देखिए, ये सुपरस्टार, देवगन को देखिए, तरह तरह की औरतों को देखिए, इसको देखो, ये सारे लोग बिकाऊ है, बिकता है। क्या बाकी जो साधारण लोग हैं वो क्या इससे कम है क्या? अरे पैसे कमा लिया, धंधा पानी ऐसा चलाया कि नाम हो गया, शोहरत हो गया, अंदर झांक के देखो कितने अच्छे इंसान हो। झूठ बोलता है ये एडवर्टीजमेंट, ये भी थोड़ा मेंटल है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है ये। अरे भाई योग करो, शांत रहो, प्यार करना सीखो। दुनिया में शांति तभी आएगी जब प्यार करना सीखोगे। चुगली, शिकायत, लड़ाई झगड़े, अगर कुछ समझ नहीं आता ना तो ये काम बंद कर दो। और बता दे रहा हूँ तुम क्या करना, हर्षी मेहता का एक भजन सुन लो, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे, सहज लोक मां सहने बंदे निंदा न करे केनी रे, बाच काच मन निश्चल लाके धन धन जनी तेनी रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जैनी मातरे, जीवा थकी असत्य ने बोले परधन नौ झाले हाथ रे, मोहमाया व्यापे नहीं जैनी दृढ़ बढ़ गए जिन मनमर रे, राम राम सुताने लागी सकल तेरा तीन तनमा रे, मन लोभी से कपट रही छे काम क्रोध निवारा रे, मन नरसयो तीन दर्शन करता कुल एको इन तारिया रे। आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, ये बड़े बड़े नामी, ये वंशवादी ब्रदर ये बोल सकते हैं कि ये केवल अपने जन्म के आधार पर ये महान बन चुके हैं, इनके चित्र में झांक के देखो ये क्या है। और जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं जिनको कोई न जानता है न पहचानता है, उनको अपने आप में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, अपने आप में हमेशा महापुरुषों के गुण को उत्पन्न करना चाहिए और उसी महान गुणों के आधार पर अपने जीवन को जीना चाहिए। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, ये जो चौंधियाने वाले, हमें चौंकाने वाले बड़े बड़े नाम है ना, इनके अंदर झांक के देखो। ये सारे नेता हो, पर्दा वाले नेता हो, अभिनेता हो, ये लोगों को धोखा देते हैं। इन सबों को जेल में होनी चाहिए, बिना गुणवत्ता का प्रमाण दिए हुए वो प्रोडक्ट बेच लेते हैं। आप देखे होंगे रामदेव बहुत प्रोडक्ट बनाया और जब वो फेल हो गया तो ये भी कुछ नचनिया लोगों को आके नचवा के प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है। कांति दंत मंजन, मेरे श्रोतागण, अपने आप पर विश्वास रखना, ये धोखेबाज बड़े बड़े पद पर चले गए हैं, कुछ तो इनके इस तरह के व्यवसाय है जिससे कि सिद्धि मिली है। और फिल्म में कोई भी जाएगा, चल गया तो महान बन जाएगा, क्या अंदर भी महान है? अरे महान है तो योगी आदित्यनाथ, महान है तो हमारे तिलन नागरू के महान व्यक्ति के अन्ना मलय साहब, महान है वो व्यक्ति जो हर आँख की आंसू पोषने के लिए अपने छवि को योग में बनाया हो, पवित्र बनाया हो और मन वचन कर्म से लोगों की सेवा में समर्पित हुआ है। धन्यवाद करता हूँ प्यारे दोस्तों, मेरी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा नाम है पंडित फकीर योगी वेद योगी। बिना तराजू पर तौले हुए मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता और न किसी की निंदा करता हूँ। निंदा स्तुति दोनों त्यागे, खोजे जग निर्माणा,
प्यारे दोस्तों, सबको चाहिए कि वो पवित्र बने जीवन में, समूह को इतना प्यार करे कि लोग भी उसे प्यार करें, लेकिन धोखेबाजों से सावधान रहना। मुझे बहुत दुख होता है कि बड़े बड़े इसका एडवर्टीजमेंट भी खोखला होता है। शाहरुख को देखो, छत तोड़ के नीचे उतरता है, बोलता रोंगटा स्टील से बनाए होते तो छत तोड़ के नहीं आते। रे बेवकूफ, किसको बेवकूफ बना रहे तुम? क्या हमारा टाटा स्टील कम है रोंगटा स्टील से? शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने वाले इन गद्दारों को। धन्यवाद।